स्वागत दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की फूड स्ट्रीट पर जो कि बिल्कुल घंटा घर के साथ ही वाक़ है। और आज हम देखेंगे मज़े के खाने, यहाँ पे खाने गुजरांवाला के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे होंठ जो है ना जाम हो गए हैं। तो आज गुजरांवाला के खाने देखेंगे और देखेंगे फूड स्ट्रीट पर कौन कौन से जो है खाने की वो होटल वगैरह बने। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है शाही हरीसा, और आइए देखते हैं शाही हरीसा जो है वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप करिए से अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये शाही हरीसा आप बनाते हैं? हाँ जी। ये हरीसा होता क्या है बेसिकली? ये छोटे गोश्त का होता है, दलिया होता है, इसमें जैतून का तेल देसी घी। अच्छा। सफ़ेद मिर्च काली मिर्च में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गुजरांवाला के अंदर लोग कहते हैं खाने बड़े मशहूर होते हैं, गुजरांवाला के लोग बहुत ज़्यादा खाने वाले, पहलवानों का शहर कहलाता है। सही बात। तो लोग ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं इधर? देखो, यहाँ छोटे पावे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लस्सी इस्तेमाल ज़्यादा होती है, छोटे पावे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह खाते पीते तो तुम्हें पता है ना। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर हरीसा मिलता है और साथ जो है ना चने भी होते हैं और उसके पाए भी होते हैं, देसी मुर्गा भी है और ये देसी मुर्गा भी मौजूद है। हाँ। अच्छा, हरीसा का रेट क्या होता है, प्लेट वगैरह कितने की होती है? ये 250 की प्लेट देते हैं छोटी एक। अच्छा। 200 रुपए की देसी की 200 की है। अच्छा। और जैतून के तेल की 250 की। अच्छा, जैतून के तेल की 250 की। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया। कभी आए तशरीफ लाए इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो आप वाले भी आए क्यों जी? जी बिल्कुल, तो आप लोग ला सकते हैं तशरीफ़, उन्होंने दावत दी आपको आने के लिए। और जो है ज़रूर जो है ना हरीसा ट्राई करें आके, यहाँ पे चने ही बड़े मशहूर होते हैं और साथ साथ इसके और भी बहुत सारे खाने हैं। अच्छा, मैं जो ना मैंने टेस्ट इसलिए नहीं किया कि मैं खाता नहीं हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा ही सकता हूँ मैं, क्योंकि चने पाए और यादगार लसानी नान प्लांट, वाह वाह, मतलब चारों तरफ दोनों तरफ जो है वो दुकानें दुकानें। और मैंने देखा था वीडियोज़ वगैरह पे यूट्यूब के ऊपर अमृतसरी छोटे पाए, वो मुझे रहमान खोए वाले चने, असली सूफी खोए वाले चने यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम, काफ़ी सारी दुकानें और ये यादगार हरीसा। मशहूर जो है यहाँ के जो चने हैं वो सादिक के चने, तो कोशिश करते हैं और वो सादिक के चने नज़र आ गए, सादिक के चने खाते हैं, उसके बाद जो है ना आपको दिखाते हैं हलवा पूरी बन रही है। जी आइए नाश्ता करते हैं शादी के चनों का और आपको भी दिखाता हूँ साथ में। काफ़ी रश है इनके पास और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई पूछना है। भाई एक सादा चना लगा देंगे? ठीक है। और जी मेरा नाश्ता चने का नाश्ता हो गया है और इसके साथ ही मुझे एक शॉप नज़र आ रही है चाटी की लस्सी, जो कि बड़ी मशहूर है यहाँ पे इस फूड स्ट्रीट पे, बल्कि गुजरांवाला में बहुत मशहूर है। आइए देखते हैं कि ये चाटी की लस्सी होती क्या है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चाटी की लस्सी होती है, ये चाटी की लस्सी में और दूसरी मीठी लस्सी में क्या फ़र्क होता है? चाटी की लस्सी जो होती है इसको दूध लेते हैं, बॉइल करते हैं, उगाड़ते हैं। अच्छा, ये इसकी तस्वीर ठंडी होती है। तस्वीर ठंडी होती है। तो अभी सर्दियों में तो लोग कैसे पीते होंगे? तो पीने वाले अभी पीते हैं। अच्छा, तो पीने वाले ना जो शौकीन है वो अभी पीते हैं, ये अंदर की जिगर की गर्मी को दूर करते हैं। अच्छा, आपकी चाटी की लस्सी में और दूसरी जो आम मिलती है उसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम मुतारफ़ करवाने वाले गुजरांवाला में शहर में मेरे वाले साहब थे, वो अंदर उनकी पिक्चर लगी। अच्छा, जब माशाल्लाह ये वाले साहब है। हाँ जी, इन्होंने काम शुरू किया। अच्छा, पहले। अच्छा अच्छा, गुजरांवाला में। गुजरांवाला के बाद दूसरे हमारी
की लस्सी जो होती है सबसे डिफरेंट है। अच्छा, एक टेस्ट भी है और डिफरेंट भी। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा है? नमकीन होता है या? नमकीन होती है, चाटी की लस्सी होती है नमकीन। नमकीन होती है जी। अच्छा, साथ इसके कोई मक्खन चक्कन भी होता है? मक्खन के पेड़े होते हैं, वो खत्म हो गए। मक्खन के पेड़े साथ देते हैं। कितने का गिलास होता है इसका? 30 रुपये का गिलास। 30 रुपये का गिलास बस? 30 का मक्खन है और 30 का मक्खन है और 1000 रुपये किलो मक्खन है। 1000 रुपये किलो मक्खन है और 30 का गिलास है। तो जी, ये थी चाटी की लस्सी और साथ हमें उन्होंने बताया कि मक्खन भी देते हैं 30 रुपये का और 1000 रुपये किलो मक्खन है, 30 रुपये का चाटी की लस्सी का गिलास है। मतलब अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे, यहाँ के खाने नॉर्मली हैं और बहुत ज़्यादा इनके रेट नहीं है। और ये हाजी अब्दुल गनी है, मुझे वाले मशहूर, और इस तरह बहुत सारी अभी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से बड़े बड़े पतीले जिनमें लोग उन्होंने पाए और सिरी पाए जो ना ऊपर रखे हुए हैं, शायद ये मैं देखता हूँ ये इसका नाम क्या है। अच्छा, जियो मुर्ख चने, मुझे किसने बताया था कि यहाँ के मशहूर मुर्ख चने जियो मुर्ख चने। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि जियो मुर्ग चने बड़े मशहूर हैं उधर, अभी नज़र पड़ गई मेरी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, काली मिर्च वाले चने होते हैं। तो आप कब से आपकी यहाँ पे ये दुकान कायम है? कितने? 20 साल हो गए। स्पेशलिटी क्या होती है अपने चनों की? काली मिर्च वाले चने, अच्छे टेस्ट है इसका। अच्छा, हाँ जी। तो लोग कहाँ कहाँ से खाने आते हैं? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, आपके फैसलाबाद से भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे फैसलाबाद में किसी ने बताया था कि जियो चने हैं वहाँ पे बड़े मशहूर हैं। नहीं भाई, यहाँ वो इधर गली पावेले के पास, तो फिर मैंने भी दाल भी खा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने की प्लेट होती है चने की आपकी? 80 रुपये। 80 रुपये की प्लेट होती है? 80 रुपये की भाई। और चनों की प्लेट 80 रुपये की होती है, और मैं दिखाता हूँ आपको पाए और शायद सिरी है, पता नहीं, मैं मालूम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जनाब, खैरियत से हैं? अच्छा, ये क्या बेच रहे हैं जी? ये क्या है? छोटे पाए हैं, मगज हैं, मिखे हैं। छोटे पाए, मगज, किस नाम से आपका ये होटल? मलक बोंग पाए। मगज बोंग पाए? हाँ। नहीं, मलिक बोंग पाए। हाँ जी, मलक बोंग। अच्छा, मलक बोंग पाए, मलक बोंग पाए, गुरु नानकपुरा। अच्छा, गुरु नानकपुरा। हाँ जी। कब से लगा रहे हैं आप ये? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी। तो खसूसियत क्या है आपके पाए होगी जी? आपके जो पाए हैं इनकी खसूसियत क्या है? बेहतरीन है, खाने का मजा आएगा। वो टेस्ट डिफरेंट है आपका? हाँ जी। गुजरा वाले के लोग खाने पीने के ज्यादा खाने का पसंद करते हैं। हाँ जी, ज्यादा टिक्के, कबाब, छोटे पाए, बड़े पाए, मगज। देख, दिखाएंगे जरा मुझे कुछ? हाँ, जरूर दिखाएंगे। वाह वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये छोटे के पाए? छोटे पाए हैं। ये मगज है? अच्छा, ये मगज है, ये मगज, ये बकरे के मगज है। हाँ, ये बकरे के नहीं है, ये बुके हैं। अच्छा, ये बड़े? ये बड़े पाए हैं। आप मिक्स किए सारे जी? जबरदस्त। हाँ जी। ये कितने की प्लेट होती है? 200 रुपए की प्लेट होती है। 200 रुपए की प्लेट छोटे पाए की, और 300 रुपए की मगज की होती है। अच्छा अच्छा, 200 रुपए की एक मिक्स होती है। अच्छा अच्छा, अगर कोई यहाँ पे आपके पास खाना खाने के लिए आना चाहे कोई बंदा मेरी वीडियो देख कर, तो कैसे बताएंगे कहाँ से आए, किस जगह पे मौजूद है? हाँ जी, तो कहेंगे मलक मोंग पाए, गुरु नानकपुरा से आए। अच्छा, घंटा घर गुजरावाला। हाँ जी, तो आपने एड्रेस समझ लिया, मुझे तो नहीं पता था इसलिए मैंने इनसे आपको पता करा दिया, कि जब भी खाने में पाए आपको बड़े अच्छे अट्टे, मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैं तो खाना खा चुका हूँ, वरना मैं ज़रूर टेस्ट करता, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये चलते हैं, एक और मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी एक दुकान नज़र आई है, होटल नज़र आया, बाबूदा डेरा। देखते हैं बाबूदा डेरा के पास क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जनाब, ठीक ठाक है? अच्छा, नाम बड़ा आपने एक यूनिक सा रखा है, बाबूदा डेरा। क्या होता है आपके पास स्पेशलिटी, क्या क्या खाने को? स्पेशलिटी हमारी जो है ना, वो हरीसा है। हरीसा है? हरीसा। अच्छा, और देसी मुर्गा का चने। अच्छा अच्छा,
गुजरावाला के लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? गुजरावाला माशाल्लाह सारा कुछ चीज़ पसंद करते हैं। वो तो माशाल्लाह सेहत से आपकी लग रहा है। वो जो है ना सर्दी की आइटम है, लेकिन आप तो लोग गर्मी में भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा, हरीसा मैंने देखा है, कराची में नहीं नज़र आता कहीं हरीसा। कराची के लोग मछली खाते हैं ज़्यादा, उनको ये आइटम। लाहौर में भी बस एक दो जगह पे, बाकी शहरों में भी बहुत काम है ये। अच्छा, तो हरीसा बनता किस चीज़ का है? हरीसा बनता छोटा गोश्त और गंदम होती है। अच्छा, गंदम और माइनस सा टच होता है इनका जो है ना दालों का। अच्छा अच्छा, बाकी ये है, आप टेस्ट करवाते हैं आपको। कितने की प्लेट होती है हरीसे की? हरीसे की 250 से स्टार्ट है। 250 से स्टार्ट है, 350 प्लेट है वो, बाकी किलो के हिसाब से भी चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी हरीसा, हरीसा बनने लगा है तो अभी आपको प्रोसीजर दिखाते हैं हरीसा बनने का, और उनसे पूछेंगे कि किस तरह ये जो है हरीसा जो है बनाया जाता है। ये बड़ी जो ना एक्सपेंसिव और बहुत सेहतमंद जो है वो डिश है, तो ज़रूर आप जो है बाबू दा डेरा पे आके हरीसा ट्राई कर सकते हैं, वो भी जैतून के तेल में बना हुआ है। बाबू दा डेरा पे आके आप ज़रूर ट्राई करें, और मैं भी अभी ट्राई करने लगा हूँ। इन्होंने स्पेशली जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा इसका तड़का लगाया है, तो चेक करते हैं और आपको बताते हैं कैसा था। ले जी, हरीसा हो गया तैयार, और इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। भाई जालिम, भाई जान बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। बहुत शुक्रिया। मैं आपको इनका कार्ड दिखा देता हूँ, कोई अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे, कोई बात करना चाहे, ये कार्ड है इनका, और आप कॉल करके भी आ सकते हैं। तो ये थे दान भाई बाबू दा डेरा से, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अमृतसरी यहाँ पे चाय पाए भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी जो है ना यहाँ पे वैरायटीज़ हैं खाने के लिए, नाश्ते के लिए, आप आके फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब तक की वीडियो में इतना ही, मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।